वेलकम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद मी में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक, और मैं आज कहीं घूमने नहीं जा रहा हूं, बल्कि हमारे यहां मेहमान आए हैं घूमते हुए आंध्र प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, हम उन्हीं से बात करते हैं। इनको हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। मैं आपको सबटाइटल में सारा इनका वॉइस चेंज कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेहमान से कि वो यहाँ क्यों आए हैं। आप कहाँ से हैं? फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये हमारे यहाँ विशेषकर ग्राफिक प्रोग्राम सीखने के लिए आए हैं, और इनका खुद का लगभग एक एकड़ का पॉली हाउस फार्म हाउस है, और उसके बावजूद भी ये काफी दूर से हमारे यहाँ सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड है। वहां से लगभग आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, फिर भी आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ वो भी आखिरी छोर पर हमारे यहाँ आज आए हैं। तो चलिए इन्हीं से इनका परिचय लेते हैं। सर, आपका परिचय, योर इंट्रोडक्शन। ओके, माय नेम इज सुरेश, सो आंध्र प्रदेश, फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो व्हाट डू यू से, लाइक वी आर लुकिंग टू लर्न द ग्राफ्टिंग। आवर बैकग्राउंड इज लाइक आई वर्क फॉर आईटी। एंड व्हाई यू आर यू इंटरेस्टेड इन द ग्राफ्टिंग? आई लाइक द फार्मिंग अ लॉट, तो चलिए दोस्तों, हम इनके साथ आज ग्राफ्टिंग सीखते हैं और सारा चीज बताते हैं कि ग्राफ्टिंग में क्या क्या बेसिक पॉइंट है। हमारा 3 दिन का ग्राफ्टिंग प्रोग्राम है, इसमें हम लोग सारा चीज बेसिक फंडामेंटल यहाँ सारे स्टूडेंट को सिखाते हैं, जिससे कि वो यहाँ से जाके अपना खुद का ग्राफ्टिंग शुरू कर सकें और यहाँ से फुल ट्रेंड होके जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे फार्म की ओर। हमारे स्टूडेंट को हमने जंगली बैंगन का फ्रूट दिखाया, देखते हैं किस तरह से गुच्छों में आते हैं। काफी ज्यादा इसके जो फल होते हैं काफी गुच्छों में रहते हैं, साथ में इसके फूल की भी बात की जाए तो व्हाइट कलर में आते हैं। सो हैव यू सीन बाइल ब्रिंजल प्लांट बिफोर? बाद में कर लूंगा डबिंग। आपको कैसा लग रहा है इसको देख के, मतलब इससे पहले आपने देखा था क्या? हाँ, इन योर एरिया दिस प्लांट इज अवेलेबल और नॉट आर अवेलेबल इन नॉट एरिया वी नॉट एबल टू फाइंड एक्चुअली फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग माइट बी वी कैन फाइंड वेरी इनर जंगल साइड समथिंग वाइल्ड इफ यू नीड इफ यू हैव नीड फॉर दिस सीड यू विल कॉन्टेक्ट अस वी कैन प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड बिकॉज अदर आर ड्राइंग इज इन विदाउट रैपिंग वी गिव ए बेटर क्वालिटी ऑफ सीड ओके पिक वन रूट स्टॉक प्लीज चूज ए बेटर रूट स्टॉक द साइज ऑफ साइन स्टिक एंड रूट स्टॉक शुड बी इक्वल प्लीज ओके एंड कट इट इन अप्रोक्स 45 degree एंगल प्लीज शो मी प्लीज डोंट टेक इट लॉन्ग ओके ओके साइज दिस साइज फॉर अप्रोक्स दिस इसको ना आपको वहां से काटना है ना जितना नीचे हो सके शॉर्टर लेंथ बिकॉज इफ रूट स्टॉक विल बी लॉन्ग देन मेटाबॉलिज्म विल डिस्टर्ब बट यू आर सेइंग रूट स्टॉक एंड साइन दोनों बोथ आर सेम साइज सेम एंड कटिंग ऑफ एंगल शुड बी सिमिलर फॉर बोथ रूट स्टॉक एंड द साइन स्टिक नो 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 ये मोटा है वो पतला है चलेगा लेकिन वो मोटा है पतला है नहीं चलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ आर यू अंडरस्टैंडिंग इफ साइज ऑफ रूट स्टॉक इज बिगर देन नो प्रॉब्लम बट रूट स्टॉक साइन स्टिक इज बिगर देर इज नो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ओके तो दोस्तों हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे ग्राफ्टिंग अभी कर रहे हैं तो चलिए हम आपको इनको सारा नॉलेज बताते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम में हमने
उनको पौधा लगाना सिखाया और हमने अपने ब्रिंजल के प्लांट दिखाया, सारे लिप लिप के बारे में सारे बताए। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, इनको बेटर रूट स्टॉक चाहिए था मिर्ची के लिए, तो एक बार देखना चाहते थे कि उसका प्लांट किस तरह से होता है। तो मैं इनको फील्ड विजिट पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे इनको मैं मिर्ची का रूट स्टॉक का प्लांट दिखाऊंगा, जिसको हम लोगों ने डेवलप किया है मेनली मिर्ची की ग्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि बैगन और टमाटर के लिए तो रूट स्टॉक हमारे पास काफी सारे वेराइटीज हैं, पर मिर्ची के लिए जो वेराइटीज हैं उनके बारे में मैं इनको दिखाने जा रहा हूँ। मिर्ची का रूट स्टॉक यूज कर रहे हैं, जो इनको देखना था हमारा, जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो हम इनको रूट स्टॉक दिखा रहे हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा रूट स्टॉक है। इसका अगर ब्रांचेज की बात की जाए और इसके स्टेम की बात की जाए तो ये काफी बड़ा है, तो हम लोग फिलहाल इसी का यूज कर रहे हैं जो इनको दिखाना था। इसमें हम और जो भी वैरायटी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं वो काफी अच्छा सक्सेसफुल है। तो ये तो दोस्तों हमारा फील्ड विजिट। तो दोस्तों ये हमारा मिर्ची का पेड़ जिसका हम रूट स्टॉक के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपको भी इसके बीज की जरूरत है हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रेवल विद मी, मैं डॉक्टर मानिक आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जगह लेकर जाएंगे आपको कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है।